जय जगन्नाथ सारस्वत बार्तार अगणा को आपण मानू स्वागत। आज आपण उपस्थापना करी त्रिवेणी व्रत एवं तत्सहित आपण मानू कह माँ बीरजा देवी जन्म उत्सव तेबे त्रिवेणी व्रत रे माँ सावित्री को स्वतंत्र भाव पूजा अर्चना करा जाए। तेबे आमे वर्ष को दुईटी सावित्री व्रत पालन करी थाउ। तेबे से दुईटी सावित्री व्रत मध्यरु गोटिए हेउची ज्येष्ठ अमावस्या दिन आउ गोटिए हेउची माघ अमावस्या दिन जहाँ को कहा जाए त्रिवेणी अमावस्या। एही दिन स्वामींकर दीर्घायु उद्देश्य रे स्त्री लोक माने एही व्रत को पालन करी थांती ताहा को कहा जाए त्रिवेणी व्रत। एही दिन प्रथमे कौन करा जाए सकाळ समय रे नदी पुष्करिणी रे स्नान करी आसिला परे तुलसी चौरा मूल रे एक वेदिका तैयारी करा जाए। से वेदी को रंग माटी रे लिपि सेठारे झोटी चिता मुरुज पका जाए एवं झोटी चिता मुरुज पका जाई सेठारे गोटिए बरगछ बा बरगछर डाळ किंबा बरगछ एवं आउ गोटे ओस्त गछर डाळ किंबा ओस्त गछटिए सही ठारे लगा जाए माने गोबर रखा जाए सेथिरे पोता जाए से डाळ खंड गुड़ी को एवं तत्सहित तुलसी चौरा रे माँ तुलसी अवस्थान करा जाय थाए। ए तीनी वृक्ष को रेशमी कना द्वारा आवृत करा जाए माने गुड़ेई दिया जाए। ए तीनी वृक्ष को एकत्र करा जाए त्रिवेणी व्रत करा जाय थाए। एवं त्रिवेणी व्रत रे कौन करा जाए प्रथमे गोटे कलस स्थापन करा जाए। से कलस रे पंचदेवतांकर पूजा अर्चना करा जाए तत्सहित गंगा जमुना सरस्वती एही तीनी नदी को प्रार्थना करा जाए एवं आवाहन करा जाए तांकु पंच उपचार रे पूजा करा जाए। ताहा परे शिव पार्वती को पूजा अर्चना करा जाए थाए लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करा जाए थाए तत्सहित सावित्री सत्यवान को पूजा अर्चना करा जाए थाए। सावित्री सत्यवानंकर पूजा अर्चना करि सारिबा परे ताहा परे अनुष्ठित करा जाए दुईटी पानपत्र रखा जाए। से पानपत्र रे सावित्री सत्यवान को पूजा अर्चना करा जाए थाए एवं तत्सहित शिव पार्वती पीतल प्रतिमा किंबा विग्रह को रखा जाए थाए एवं तत्सहित लक्ष्मी नारायण विग्रह को स्थापन करा जाए एही ठारे पूजा अर्चना करा जाए। तेबे एही पूजा रे सात प्रकार फूल आवश्यक होइथाए एवं सात प्रकार फल व्यवहार करा जाए थाए एवं पूजा अर्चना करा जाए थाए। तेबे एही त्रिवेणी व्रत करुथिबा समय रे गोटिए उपाख्यान पढ़ा जाए थाए जहार नाम हेउची अवंती राजांकर झियो चंद्रवती कर उपाख्यान। तेबे अवंती राजा चंद्रध्वजंकर गोटिए कन्या थिला ताहार नाम हेउची चंद्रवती। एही चंद्रवती वीरबाहु राजा को विवाह करिथिले। विवाह करिबा परे तांकर अल्पायु जोग जेतेबेले ज्योतिष महाराज कहिथिले सेतेबेले से एही त्रिवेणी व्रत करिथिले एवं गंगा जमुना सरस्वती को पूजा करिबा सहित सावित्री सत्यवान को पूजा अर्चना करिथिले एवं सावित्री सत्यवान को पूजा करि एही त्रिवेणी व्रत दिन तांक स्वामी को जम द्वाररु फेराई आनिथिले तेणु करि एहाकु त्रिवेणी व्रत कहा जाए। सेथिपाई एहाकु द्वितीय सावित्री व्रत कहा जाए। सावित्री व्रत रे जेमिति समस्त विधि विधान करा जाय थाए बरगछ पूजा करा जाय थाए शिव पार्वती को पूजा करा जाय थाए लक्ष्मी नारायण को पूजा करा जाय थाए ब्रह्म सावित्री बा सत्यवान सावित्री को पूजा अर्चना करा जाय थाए सेही परि भाबरे संपूर्ण पूजा हेउथिबारु एहाकु कहा जाए त्रिवेणी व्रत बा द्वितीय सावित्री व्रत। एही सावित्री व्रत भली आहार आचरण करा जाउथिबाकु एहाकु द्वितीय सावित्री व्रत कुहा जाय थाए। तेबे एही अमावस्या रे जदि आपण स्वामींकर दीर्घायु उद्देश्य रे एही त्रिवेणी व्रत करंती अत्यंत शुभप्रद होइथाए एवं एही दिन मौनता अवलंबन कले अत्यंत शुभप्रद होइथाए। तेबे आपण मानंकु मु कहिथिली बीरजा देवींकर जन्म विषय रे कहिबी। ब्रह्मा जेतेबेले ब्रह्म सापरु उद्धार पाइबा पाई एही ठारे तपस्या करुथिले माने बैतरणी तटरे तपस्या करुथिले एवं यज्ञ करुथिले सेही समय रे मा एही स्थान रे माने जाजपुर रे उद्भासित होइथिले माने प्रकट होई ब्रह्मा को दर्शन देइथिले। जेउठारे दर्शन देइथिले सेही स्थानटी हेउची ब्रह्माकुंड माने बीरजा देवींकर मंदिर पाखरे थिबा पुष्करिणीर नाम हेउची ब्रह्माकुंड। एही ब्रह्माकुंड पाखरे माँ बीरजा दर्शन देइथिले तेणु करी एही दिनटी को माँ बीरजांकर कुहा जाए प्रकटित दिवस बा स्वर्णक्षेत्र दिवस बा बीरजा जन्म उत्सव तेणुकर यहाँ केतेक लोक मौनी अमावस्या माघी अमावस्या बा बीरजा अमावस्या बोली कुहा जाए थाए।
तेबे एही माँ बीरजांकर जन्म उत्सव दिन माँ सावित्री बेशरे दर्शन दे थांती प्रत्येक भक्त मानंकु। सकाळ समय रे माँकर महास्नान होइथाय। महास्नान परे माँ बनक लागी होइथांती। एही बनक लागी बेले माँकु सावित्री बेशरे सुसज्जित करा जाय। तेबे माँ बीरजा वर्षकु दुई थर सावित्री बेशरे प्रत्येक भक्त मानंकु दर्शन दे थांती। जथा सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावास्या एवं तत्सहित बीरजा जन्म उत्सव दिन बा माँकर प्रकटित उत्सव दिन माँ सावित्री बेशरे प्रत्येक भक्त मानंकु दर्शन दे थांती। तेबे जदि आपण ब्रह्मकुंड रे स्नान करी बीरजा क्षेत्र रो ब्रह्मकुंड रे स्नान करी आपण जदि बीरजा माँकु दर्शन करंती सावित्री बेशरे अत्यंत शुभप्रद होइथाय। तेबे सावित्रींकर पूजा एही त्रिवेणी अमावास्या रे स्वतंत्र भाव रे पूजा अर्चना करा जाय। तेणु करी आपण व्रत करंतु अबा न करंतु निश्चिंत भाव रे सावित्री देवी को पूजा अर्चना करंतु एवं तत्सहित त्रिवेणी देवी माने गंगा जमुना सरस्वती को पूजा अर्चना करंतु अत्यंत शुभफल प्राप्त हुवंतु। जदि भिडियोटी भल लगी तेबे लाइक करिबे कमेंट करिबे शेयर करिबे। रहुची नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।